नमस्कार, S7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रवि तिवारी। 3 दिन से हो रहे मूसलाधार बरसात के बाद जहाँ पर लोगों को राहत मिली, पर वहीं पर बरसात ने मुसीबत बढ़ा दी है। पिछले 3 दिनों से हो रहे मूसलाधार बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हम आपको भिवंडी शहर का जगह जगह का दृश्य दर्शाएंगे। सबसे पहले कल्याण रोड, जो कि ट्रैफिक ऑफिस के ठीक बगल में, किस तरीके से सड़क पूरा तालाब में तब्दील हो गया। उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे 3 बत्ती, जहां पर देखा जा रहा है पूरी जो वहां पर काम कर रहे जो दुकानें हैं सब में पानी चला गया। उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे सेलार की ऐसी परिस्थिति देखी गई कि सड़कों पर जिस तरीके से घुटनों के ऊपर पानी लगा रहा, लोग इतने मुश्किल का सामना कर रहे हैं, वो दृश्य आप देखिए। और वहीं सेलार का ही एक दृश्य हम और आपको दर्शा रहे हैं, वहां सैकड़ों घरों में पानी चला गया, जिसके कारण लोगों ने अपना आशियाना छोड़कर ठेले पर अपना पूरा संसार बसा बैठे हैं। हम आपको वहां का दृश्य दर्शा रहे हैं, पर इनकी मदद के लिए अब तक कोई नहीं पहुंचा। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट मुसीबत भरी बरसात को लेकर। 2 दिन से हो रही भारी बरसात से यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त के साथ यहाँ पर लोगों को अब मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। हम हैं कामावरी नदी के पीछे सेलार गांव में, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का दृश्य, यहाँ का नज़ारा इस तरह का बना हुआ है कि सैकड़ों घरों में पानी जा चुका है, जिसके कारण लोग अपना आशियाना छोड़कर ठेले पर अपना जीवन बसर पूरी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ की तकलीफ यही है कि पानी भर जाता है, गटर की सफाई नहीं होती है, रह गया यहाँ पे ना अधिकारी कोई आता है देखने ना सुनने, और इसके अलावा तो यहाँ तो बहुत सारी तकलीफ है, बता के कोई मतलब नहीं आएगा, जो कि हमारे ऊपर ही दबाव आ जाता है। संतोष गुप्ता, बताओ क्या हुआ है? धंधा पानी बंद है 2-3 दिन से, क्या करें, हाथ गाड़ी सब पूरा माल भीग गया हुआ है, पर परेशानी है, क्या करें, क्या बताएं आप लोग को। कोई नहीं, क्या जरूरी ध्यान दे रहे हो, तो भीगे बदले हैं, क्या करेंगे। बस कमर तक था, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, अभी क्या करेंगे, कम होएगा तो लगाएंगे धंधा पानी, तो बंद। हाल कितने दिन से चल रहा है? 3 दिन से। ठेले पे व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवन, क्या वजह है? वजह यही है कि कमर के इतना पानी भर गया है, बाल बच्चे को लेके ठेले पे बैठा हूँ, बाल बच्चे भीग गए हैं, बीमार हो गए हैं, दवा पानी की तकलीफ हो गई है, बारिश बंद होने के नाम ही नहीं ले रहा है, जितना खाली नहीं होता उतना भर जा रहा है। 4 दिन से बारिश हो रही है, लगातार 4 दिन से बारिश तो हो रही है, पानी खाली होने का नाम ही नहीं, वजह ही नहीं उसका कुछ हो पा रहा है। और यहाँ पे इतनी पानियाँ भर चुकी है कि बाल बच्चे लेके इतने तकलीफ में पड़े हुए हैं कि बाल बच्चे भी भीग चुके हैं, बीमार हो गए हैं, खाने पीने की तकलीफ, बैठने उठने की तकलीफ, सोने की तकलीफ, एक ठेले पे 2 बच्चे मियाँ बीवी कितना गुजारा करें, रात भर जागे, दिन भर जागे, कितना जागे। 3 दिन से हो रहे मूसलाधार बरसात के बाद जहां पर लोगों को राहत मिली, पर वहीं पर बरसात ने मुसीबत बढ़ा दी है। हम इस समय खड़े हैं सेलार में, जहां पर आप यहां का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम है, घुटने के ऊपर तक पानी लगा हुआ है, बच्चों को आना जाना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, ऐसी हालात यहाँ के बने हुए हैं। अगर हम खास करके गाड़ी की बात करें तो यहाँ पर गाड़ियाँ जो कभी इन्हीं सड़कों पर फर्राटा भरा करते थे, वो गाड़ियों को आज धक्का मारने पर मजबूर हो गए हैं लोग, ऐसी बरसात ने आफत बढ़ाई हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ से भिवंडी से होकर के वाड़ा के लिए रास्ता जाता है, जो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पीछे से देखें 2 से 4 किलोमीटर और वाड़ा की ओर देखें से 2 से 4 किलोमीटर पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। हालांकि ऐसे तो पूरी भिवंडी अब पानी पानी हो गई है, पर भिवंडी में यदि अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो सेलार कर यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान है। हम आपको एक एक दृश्य दर्शा रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से एक बाइक, एक एक्टिवा गाड़ी है जिसे धक्का मार करके अपने स्थान पर ले जाया जा रहा है। जो भी पानी को लेकर के, भारी बरसात को लेकर समस्याएं होंगी, जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे। देखते रहिए।